हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते समय यूज़ की जाती हैं बाय द प्रोडक्शन मैनेजर और द सुपरवाइजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स कवर। तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आइडिया जनरेशन, फीचर डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम फ्लो चार्ट बना देता हूँ। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगराइज इन फोर पार्ट। फर्स्ट वन है आइडिया जनरेशन, सेकंड वन इज फीचर डेवलपमेंट, थर्ड वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड लास्ट है प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्टिंग, ओके। सो लेट्स कवर टुडे सेशन। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लास्ट टॉपिक में हमने प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में ही डिस्कस किया था। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन। सो फॉर द टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फर्स्ट टेक्निक इज आइडिया जनरेशन। मैनी मेथड आर अवेलेबल फॉर द आइडिया जनरेशन स्टेज, सच एज ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी, फोकस ग्रुप। तो सबसे पहले क्या है, आइडिया जनरेट किया जाता है कि भाई क्या एड ऑन करना चाहिए प्रोडक्ट में। एग्जिस्टिंग कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसको किस तरीके से हम डेवलप करें, या फिर कोई नया प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो तो उसको किस तरीके से मार्केट पर लेके आना है। वैसे अगर सिंपल कॉन्सेप्ट इसका मैं समझाऊं मार्केटिंग के हिसाब से, तो सबसे पहले मार्केट पे रिसर्च की जाती है, कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जाता है, कस्टमर के प्रेफरेंस, कस्टमर के टेस्ट को एनालाइज किया जाता है, तब जाके हम फाइनली नए न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करके, टेक्निक्स को यूज करके हम आइडिया जनरेट करते हैं, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ठीक है, या फिर डेल्फी है, फोकस ग्रुप है, या फिर क्वेश्चनायर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद तब आपके पास एक फ्रूटफुल आइडिया है। ठीक है, जो कि क्या है, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली चीजें चल रही है मार्केट में उसका ही रिजल्ट है। ठीक है, द बेसिक अप्रोच इज टू क्रिएटिविटी इन सम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गया है, कस्टमर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इनोवेटिव चीज़ों से उसको हम इजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है, देयर इज मच इज रिकमेंड फॉर द मोर क्वालिटेटिव अप्रोच। वन ऑफ द ड्रॉबैक इज द लैक ऑफ क्वान्टिटेटिव वैलिडिटी टू आइडिया ऑफ द स्टेज। Idea have not been shown to have the popularity in the constituency that matters. We have found that the smart incentive approach can provide both creativity and validations. ठीक है, अब कंपनी ये देखती है कि भाई जो भी हम क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं उस वो कितनी वैलिड रहेगी, कितने टाइम तक मार्केट में सस्टेन रहेगी। कोई भी नया प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में लेके आते हैं तो हमें मार्केट के हिसाब से भी रेडी करना होता है, होना होता है, और अपनी इंटरनल सिचुएशन के हिसाब से भी। कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, बिजनेस कहाँ पे कितना ग्रो कर रहा है, आप कितने फाइनेंशियली हेल्दी हैं, कितनी इंसेंट, कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, अपने लिए एक बेटर आइडिया एक तरीके से फॉर्मुलेट करते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है। तो इसके लिए कुछ सर्वे भी होते हैं, सर्वे के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। रिस्पोंडेंट टू सर्वे कम्पीट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस आइडिया, सो इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इनटू द प्रोसेस।
The generated ideas are then evaluated by the peer group to provide the required market validation. जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, अगर कोई आइडिया आप लेके भी आ रहे हैं तो आप उसको डिस्कस कर रहे हो कि कितना ये आइडिया फ्रूटफुल रहेगा और इससे हमें कितना फायदा हो सकता है. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पहला स्टेप यही है, आइडिया जनरेशन. सेकेंड वन है फीचर डेवलपमेंट. फीचर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फीचर दैट वुड बी इंटरेस्ट टू द कस्टमर्स. ठीक है, जो कस्टमर को फैसिलिटेट करें, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हों. ट्रेडिशनल मेथड सच एज इम्पॉर्टेंट स्केल्स कैन बी यूज बट मे नॉट प्रोवाइड सफिशियंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फीचर्स. पेयर वाइज कंपेरिजन ऑफ फीचर आर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग फीचर इम्पॉर्टेंस. द टास्क इज सिंपल बट कैन बी टेडियस ऑफ अ लार्ज लिस्ट ऑफ फीचर नीड टू बी कोड. मोर रिसेंटली डेवलप्ड मेथड सच एज मार्क्स मैक्स डिफरेंस स्केलिंग कैन प्रोवाइड बेटर अल्टरनेटिव. ठीक है, तो इस तरीके से जो फीचर्स हैं, फीचर डेवलपमेंट की बात करें, उनको भी प्रॉपर कंपेयर किया जाता है. कितना इनोवेशन और कितना क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, ऐड कर सकते हो, और वो कितना कस्टमर को फैसिलिटेट करेगा. कोई भी नया प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में लेके आते हैं तो उसके फीचर्स को भी क्या है, कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर करते हैं कि भाई कितने न्यू इनोवेशन के साथ हम मार्केट में आ सकते हैं ताकि कस्टमर हमें लाइक करें. ठीक है, ऐसा ना हो कि ओवर ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कंप्लीट ना हो पाए. तो ये हमारा थर्ड सेकंड पॉइंट था, फीचर डेवलपमेंट. फीचर डेवलपमेंट के बाद जो थर्ड टेक्निक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन दिस स्टेज कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स आर यूज टू बिल्ड इवेल्युएट द प्रोडक्ट. तो जो भी फीचर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट में ताकि हम उसको प्रॉपरली बिल्ड कर सकें, इवेल्युएट कर सकें. द कॉन्फिगरेटर ऑलो सर्वे रिस्पॉन्डेड टू बिल्ड देयर आइडियल प्रोडक्ट बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द अवेलेबल फीचर्स. यूजली प्राइज आर प्रोवाइडेड एट द फीचर लेवल ऑफ द इंश्योर दैट रिस्पॉन्डेड मेक रियलिस्टिक डिसीजन, ताकि जितने भी कस्टमर है वो एक रियलिस्टिक डिसीजन ले सकें अबाउट द परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही है. थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि जो फीचर्स आपने डिसाइड करें, आपने उनको ऐड किया और उसके बाद आप प्राइज वगैरह प्रॉपर अप्रोप्रिएट बैलेंस करके चलते हो ताकि कस्टमर उससे एकदम से इन्फ्लुएंस ना हो या फिर स्विच ना करे. एज रिस्पॉन्डेंट बिल्ड देयर ओन आइडियल प्रोडक्ट द मोस्ट पॉपुलर फीचर एंड फीचर्स कॉम्बिनेशन राइज टू सरफेस रिजल्टिंग इन द ऑटोमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द प्रेफरेंस मार्केट सेगमेंट्स. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट टेस्टिंग. प्रोडक्ट टेस्टिंग एस्टिमेट द इंटरेस्ट इन द वेरियस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन एंड स्पेशली इन द रनिंग मार्केट साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो थर्ड फोर्थ स्टेज पॉइंट पे क्या होता है, फोर्थ टेक्निक जो है वो है प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है. टेस्टिंग में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई अगर आपने जो भी नए फीचर्स, कुछ इनोवेटिव आइडिया ऐड किए हैं तो वो कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं. सिंपली ऐसा ही होता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग में भी हम यही करते हैं कि भाई कोई नया प्रोडक्ट, जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको स्मॉल एरिया पे पहले टेस्ट कर लेते हो. टेस्ट करने के आपने स्मॉल एरिया पे उसको लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद आपने कस्टमर के फीडबैक लिए. ठीक है, उसमें आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट को गैदर किया है, इंफॉर्मेशन गैदर करी. फिर आप ये एनालाइज कर रहे हो कि भी मेरी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी वीकनेसेस रह गई हैं प्रोडक्ट में. उन वीकनेसेस को कवर अप करने के बाद फिर फाइनली आप क्या है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं. ठीक है, तो कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर के जो फीडबैक है उससे आपको ये पता चल गया कि भी कहाँ कहाँ ड्रॉबैक थे और उनको आपने क्या करा, फिर कवर कर लिया. तो थर्ड फोर्थ स्टेज यही है प्रोडक्ट टेस्टिंग. प्रोडक्ट टेस्टिंग इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ताकि अगर कहीं कोई कमी रह गई है, कोई कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं तो उनको भी हम कवर अप कर सकें और मार्केट में कस्टमर और कॉम्पिटिशन के हिसाब से अपने आप को रेडी कर सकें. ठीक है, तो स्टूडेंट ये फोर टेक्निक्स थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की. आइडिया जनरेशन के बाद फिर फीचर डेवलपमेंट,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि आइडिया जनरेशन है। आइडिया जनरेशन में आप आइडिया जनरेट करोगे, आइडिया जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, कस्टमर पे सर्वे कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज कर रहे हो। फीचर डेवलपमेंट सेकेंड स्टेज है, जो भी प्रोडक्ट है उसमें नए नए फीचर्स को आप लेके आ रहे हो। ठीक है, उसके लिए भी आपने मार्केट पे रिसर्च करी, फीचर्स को फिर आपने क्या करा, ऐड कर लिया, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को फर्दर और डेवलप किया ताकि आपका कस्टमर हमेशा आपसे सेटिस्फाई रहे। और फिर लास्ट में प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है बहुत सारे स्केल्स पे, उन स्केल्स पे टेस्ट करने के बाद फाइनली उसको मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था, आज का टॉपिक था, जिसपे डिस्कशन किया टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्रोडक्ट डिजाइन। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे। किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उन क्वेरी डाउट्स और उन सब प्रॉब्लम को दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। होप सो आप सारे टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से नोट डाउन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।